अब फिजिक्स छोड़कर थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपकी कुछ मैथमेटिक्स ऐसी यूज होती है जो टेंथ क्लास तक तो है ही नहीं, टेंथ क्लास तक तो है ही नहीं सिलेबस में, इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास में भी अभी नहीं पढ़ी आपने, इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास में आपने अभी उसको नहीं पढ़ा है, अभी उसको मैथमेटिक्स में अभी आपको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, लेकिन फिजिक्स में ये अभी से आपके यूज में आनी है। कुछ मैथमेटिक्स ऐसी है जो टेंथ क्लास में आपने सीखी ही नहीं, इलेवेंथ या ट्वेल्थ में आप सीखेंगे, थोड़ा लेट सीखेंगे, कुछ पोर्शन ऐसा जो आप ट्वेल्थ में सीखेंगे, इलेवेंथ में सीखेंगे ही नहीं, लेकिन वो इलेवेंथ क्लास की फिजिक्स में काम आएगा। कुछ पोर्शन ऐसा जो अभी आप महीने दो महीने बाद इलेवेंथ में सीखेंगे, लेकिन फिजिक्स में वो अभी से काम आना शुरू हो जाएगा, अभी से काम आने लगेगा फिजिक्स में। तो इस तरह की जो थोड़ी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है वो मैं आपको साथ साथ कराते हुए चलूंगा। आप में से कुछ बच्चे बायो में हैं, बायो में हैं आप में से कुछ, फिजिक्स का जब पेपर कोई फिजिक्स टीचर बनाता है उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि मेरा लिखा हुआ एक क्वेश्चन बायो वाले के हाथ में जाना है या मैथमेटिक्स वाले के हाथ में जाना है, उसे मतलब होता है अपनी फिजिक्स से। और अगर फिजिक्स में कुछ कहीं मैथमेटिक्स यूज होनी है तो वो होनी ही है, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर बायो स्टूडेंट्स। इसलिए हर एक स्टूडेंट आप में से जो भी हैं, पहले भी मैंने आपको कहा था कि टेंथ क्लास तक की तो मैथमेटिक्स आपको पूरी आनी ही चाहिए, सब कुछ का मतलब सब कुछ, ज्योमेट्री भी, ट्रिग्नोमेट्री भी, एलजेब्रा भी, ये भी वो भी सब कुछ। अगर उसमें से आपकी ज्योमेट्री वीक है तो भी फिजिक्स नहीं हो पाएगी, अगर आपकी कोऑर्डिनेट वीक है, ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया है, एलजेब्रा बढ़िया है, ज्योमेट्री बढ़िया है, कोऑर्डिनेट आपने लेसन नहीं किया वो वीक है, तो फिजिक्स नहीं हो पाएगी। टेंथ क्लास तक का सब कुछ मैथमेटिक्स में आपको आना चाहिए, प्लस थोड़ी सी मैथमेटिक्स इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास की। आप उसे इलेवेंथ क्लास में ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है? फिजिक्स है। फिजिक्स में जितनी मैथमेटिक्स यूज होनी है बियॉन्ड टेंथ, वो मैथमेटिक्स में आपको साथ साथ कराता हुआ चलूंगा, जहां जो यूज होना होगा उसे आप मैथ की क्लास में पढ़ें या ना पढ़ें, उसे आप कब पढ़ेंगे मैथ की क्लास में, ये आपके और मैथ क्लास के ऊपर डिपेंड है। आज पहला कंसेप्ट जो बियॉन्ड टेंथ क्लास है और वो फिजिक्स में यूज होने वाला है, उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम आपके 11th क्लास के एलजेब्रा में है और शायद अगस्त सितंबर में आप इसे पढ़ेंगे डिटेल में मैथमेटिक्स में, लेकिन जिनके पास बायो है वो मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, उन्हें भी फिजिक्स में इसका यूज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो एक्सक्यूज। जब फिजिक्स की कॉपी चेक करने बैठता है कोई एग्जामिनर, उसे नहीं पता होता ना उसके सामने नाम लिखा हुआ है, ना रोल नंबर लिखा हुआ है, ना सेक्शन लिखा हुआ है, ना क्लास लिखी हुई, ना स्ट्रीम लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी है उसके हाथ में, उसके ऊपर एक अननोन नंबर लिखा होता है जैसे किसी का मोबाइल नंबर हो। उसे कॉपी चेक करनी है, फिजिक्स चेक करनी है, फिजिक्स में कोई मैथमेटिक्स अप्लाई होती है तो वो एप्लीकेशन चेक करना है,
कोई मतलब नहीं इस बात से कि वो बायो बच्चे की कॉपी है या मैथ वाले बच्चे की कॉपी है। इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर मैथमेटिक्स में डर लग रहा है तो डर निकालो, और डर निकलता है केवल 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 लड़ने से, केवल लड़ने से ही डर निकलेगा। मैथ के साथ आप लड़ने लगो, जूझने लगो, डर निकल जाएगा। 9th-10th क्लास की मैथमेटिक्स आपकी वीक है, सारी किताबें एक एक क्वेश्चन दोबारा कर जाओ, अपने आप डर निकल जाएगा, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। जब तक नहीं करोगे, चाहे बूढ़े हो जाओ, आपके बच्चे आ जाए 11th-12th क्लास में, डर तब भी लगता रहेगा। जब तक जूझे हुए नहीं उससे, लड़ोगे नहीं, तब तक डर लगता रहेगा। जब तक लड़कर हरा नहीं दोगे किसी को, तब तक उससे डर लगता रहेगा। जिस दिन आपने उसको हरा दिया जिससे आपको डर लग रहा है, क्या उसके बाद डर लगेगा? फिर गली में कोई लड़का है तो चलते फिरते के थप्पड़ मार रहा, गाली दे रहा है, आप उससे बच के निकलोगे? यार वो बड़ा नहीं। जिस दिन दो थप्पड़ आपने उसको लगा दिए, फिर अगले दिन बच के निकलोगे उससे क्या? डर निकालना है तो लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा उससे जिससे डर लगता है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स से डरे हुए हैं, शायद बायो बच्चे स्पेशली मैथमेटिक्स से डरे हुए होते हैं और मैथ से बचने के लिए बायो ले लेते हैं। साइंस लेनी है, मैथमेटिक्स हो नहीं पा रही, चलो बायो ले लेते हैं। गंभीर समस्या है, मैथमेटिक्स आपके पास नहीं है, तब भी आपको मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी। तो पहला एप्लीकेशन मैथमेटिक्स का जो 10th क्लास से बियॉन्ड है, फिलहाल हमें राइट नाउ यही यूज करना है, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इतना मोटा चैप्टर है आपके 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम का, एलजेब्रा में मैथमेटिक्स में कम से कम होंगे उसके अंदर 1000 क्वेश्चन। लेकिन हम फिजिक्स में जितना हमें फिजिक्स में यूज करना है केवल उतना हम अब सीख लेंगे। देखते हैं कि क्या है बाइनोमियल थ्योरम। आपने लगभग सबने बाइनोमियल थ्योरम यूज किया हुआ है 10th क्लास 9th क्लास में, बिना उसको नाम जाने हुए। कहां आपने यूज किया है? हाँ जी, जब हम डिवीजन के लिए करेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन, उसके लिए हमें पहले बाइनोमियल थ्योरम समझनी पड़ेगी। अब क्या है बाइनोमियल थ्योरम? आप सब ने ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है, बहुत ज्यादा इसका आपने यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? आप में से कई बच्चे अभी ऐसे हैं जो इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर इंटू 2ab इंटू बी स्क्वायर, नहीं क्यों? a प्लस बी होल स्क्वायर में अगर 2ab आता है तो इसमें मल्टीप्लीकेशन लगा तो बीच में 2ab तो आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा? ये वाला 2ab नहीं आएगा, तो फिर ये 2ab कहां से आ गया भाई? इसको तो फिर अगर आप a इंटू बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab का क्या काम भाई इसमें से? 2ab कहां से आ गया? ये 2ab कहां से आ जाता है? आप में से कई बच्चे को अभी कंफ्यूजन है, जिसे ये कंफ्यूजन है उसके लिए फिजिक्स नहीं बनी हुई, नहीं है कंफ्यूजन? तो मैं सबको तो नहीं कह रहा, किसी ना किसी को है कंफ्यूजन कि ये 2ab कहां से आ जाता है। अपने अंदर झांक के देखिए, अगर 2ab नहीं पता चल रहा कहां से आ जाता है तो भयंकर समस्या है, फिजिक्स नहीं झेल पाएगी, फिजिक्स नहीं झेल पाएगी, फिजिक्स नहीं झेल पाएगी, फिजिक्स झेल ही नहीं पाएगी।
ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स इससे आगे आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब टू था थ्री था थ्री ए स्क्वायर बी प्लस यही है ना फॉर्मूला ए प्लस बी टू द पावर फोर नहीं पढ़ा आपने ए टू द पावर ए प्लस बी टू द पावर फोर पढ़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी उसे हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं निकाल तो सकते हैं है ना। ये जो फॉर्मूला आप एक्चुअली लिख रहे हैं ये बायनोमियल थ्योरम ही है। वन टू कितनी फिगर्स हैं यहाँ दो कितनी है पावर टू लगा दी पावर थ्री लगा दी है ना। देखना जरा ध्यान से जब पावर टू है तो ए स्क्वायर आया फिर पावर ए की कितनी हो गई वन और यहां ए की ए टू द पावर कितना है यहां ए टू द पावर कितना है जीरो दिखाई नहीं दे रहा वाली सवा। जब पावर थ्री थी ए टू द पावर थ्री मैंने उल्टा लिख दिया ऐसे ऐसे पावर थ्री पावर टू पावर वन पावर जीरो। अच्छा पीछे वाली क्वांटिटी देखें बी टू दी पावर कितनी है बी टू दी पावर क्यूब में बी टू दी पावर यहां मुझे ये करना पड़ेगा ए प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री पहले वाले की तो पावर घटती चली जाती है और दूसरे वाले की पावर लगातार बढ़ती चली जाती है ना। ये देखो ए टू दी पावर थ्री थ्री से टू टू से वन और वन से जीरो और बी है बी टू दी पावर जीरो जीरो से पावर वन टू और फिर थ्री बढ़ती जा रही ना बढ़ती जा रही। एक की पहले वाला जो लिखा हुआ उसकी पावर घटती चली जा रही है और जो दूसरा लिखा हुआ उसकी पावर बढ़ती चली जा रही है ना। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं वन प्लस एक्स टू दी पावर थ्री वन टू दी पावर थ्री वन प्लस थ्री इंटू वन टू दी पावर टू वन और बी टू दी पावर बी टू दी सॉरी एक्स एक्स टू दी पावर वन प्लस थ्री वन टू दी पावर वन और बी टू दी यानी एक्स टू दी पावर प्लस तो जरा देखना ध्यान से जब वन प्लस समथिंग है तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारी वन ही आनी है ना और इसके साथ जो कुछ भी है फिर इसकी पावर लगातार बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं यह पांच लिख दूंगा तो जीरो से बढ़ते बढ़ते आखिरी वाला कहां पहुंचेगा फाइव पावर तक पहुंच जाएगा। समझ आई इतनी बात समझ आई यहां तक की बात। वन प्लस पॉइंट वन में लिख रहा हूं तो वन प्लस थ्री इंटू पॉइंट वन प्लस थ्री इंटू पॉइंट वन का स्क्वायर प्लस है ना। ब्रैकेट के अंदर हमारी पहली क्वांटिटी तो है वन और दूसरी क्वांटिटी है वन से कम तो फिर ओपन करने पर पहले तो वन आना है और उसके बाद जो आना वो लगातार घटता ही चला जाएगा
बड़ी तेजी से घटेगा, 0.3 से 0.03 रह गया, फिर 0.001 रह गया, है ना। अच्छा मैं अगर इन दोनों का सम लूं तो 1.3, अगर मैं इन तीनों का सम लूं तो 1.33, अगर मैं इन तीनों का सम लूं तो 1.33। इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है 0.3 का, नहीं 0.03 का, और इनमें जो कितना डिफरेंस है 0.001। जरा मरा सही तो डिफरेंस है, यानी कि 1.33 और 1.331 लगभग लगभग बराबर से ही है ना, 0.001 के तो डिफरेंस है। यानी कि अगर हम इस क्वांटिटी को छोड़ दें अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं। फिर देखें 1.3 और 1.33 में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, 1.3 और 1.33 में कितना 0.03 का डिफरेंस, यानी इसको भी अगर हम छोड़ दें, हालांकि एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी, एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी, लेकिन काम चलाओ काम तो हमारा हो ही जाएगा। अभी तो पावर 3 थी तो हमने सॉल्व कर लिया, अगर यहां पावर लिखी हुई हो 100 तो बड़ी समस्या आ जाएगी, बहुत लंबा बन जाएगा किस कहानी। तो क्या करेंगे हम थोड़ी जुगाड़बाजी लगाएंगे, क्या कहेंगे कि इसकी जो हायर पावर्स है वो इतनी छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि इन सबको काट देने से हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है ये जुगाड़ कब लग सकता है, फर्स्ट फिगर तो 1 हो और दूसरी निश्चित रूप से 1 से कम हो। पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि यहां लेस देन 1 है, अगर यहां 1 से ऊपर हुई तब नहीं छोड़ पाएंगे हम, तब छोड़ देने में मामला गड़बड़ हो जाएगा। करेक्ट है भाई, है तो 1 देखो इतने आराम से मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ये मानकर कि आप सब के सब बिल्कुल अबोध अज्ञानी बैठे हो मेरे सामने, जिन्हें कुछ नहीं आता, और अगर फिर भी नहीं सीख पाओ तो समस्या और भी गहरी हो जाएगी। वापस आते हैं वहीं, 1 + 0.1 to the power 3 लिखा था हमने, तो कैसे किया इसको हमने, 1 to the power 3 किया था प्लस 3 × 1 to the power 2 × 0.1 to the power 1, यही तो था, और इसके आगे वाली छोड़ दी सारी। तो अब हमारा निकल कर आया था 1 + 0.3 सारा सॉल्व करके, और फिर हमने इसे 1.3 बना लिया। ठीक है, समझ आ गया यहां तक की बात। अब देखो अब बाइनोमियल थ्योरम का हम कैसे यूज करेंगे फिजिक्स में, अब तक ये बाइनोमियल थ्योरम थी, अब इसका फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशन होता है। 1 + 0.1 to the power 3, 1 लिखा प्लस लगाया, सेकेंड क्वांटिटी 0.1 लिखी, और जो भी ब्रैकेट के ऊपर पावर थी इसे मल्टीप्लाई में ले लिया, 1 +
कैसे यूज करेंगे हम, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को क्या बनाएंगे, 1 प्लस एन एक्स, और बाकी की हायर पावर छोड़ दी, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, 1 माइनस एन एक्स ऊपर की पावर छोड़ दी। समझ रहे बात? लेकिन इस तरीके को अपनाने में आपको पहले ये बात श्योर करनी पड़ेगी कि 1 के साथ जो लिखा हुआ है लेस देन 1 ही हो। ये पहली फिगर नेसेसरीली 1, केवल और केवल 1 के अलावा कुछ नहीं, और दूसरी फिगर लेस देन 1। तब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए पहली फिगर लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और जो ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है सिंपली उसे सेकंड वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी टेंशन दुनिया के लिए छोड़ देंगे, अपने आप करते रहो। समझ आई इतनी बात? बायनोमियल थ्योरम समझ आई? ठीक है, बायनोमियल थ्योरम कुछ और नहीं है, एक ब्रैकेट को ओपन करना जिसके अंदर दो फिगर हैं उसे ओपन करना बायनोमियल थ्योरम कहलाता है। अब तक आपने पावर 2 और पावर 3 ओपन करा था, अभी आप 11th क्लास में जब आप एलजेब्रा में ये पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम, तो आप बड़ी बड़ी पावर्स आप ओपन करेंगे। जब हम बायनोमियल थ्योरम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे तब आपको देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट के अंदर पहली वाली फिगर 1 ही हो, ओनली एंड ओनली 1, ना एक्स ना वाई ना ए ना बी ना सी ना ये ना वो, केवल केवल 1। दूसरी आपको श्योरिटी करनी पड़ेगी कि इसके साथ जो भी है वो चाहे एक्स लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है, इट मस्ट बी लेस देन 1। आपको ये पहले श्योरिटी करनी पड़ेगी, इसको अप्लाई करने से पहले ऊपर की स्टेप में आपको कहीं ये बात श्योरिटी करनी पड़ेगी, आपको श्योर होना पड़ेगा, कंफर्म होना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये लेस देन 1 है, तब आप इसे यूज करेंगे। क्लियर?